Africa où les frappes c'est pas pareil. Pour parler à sa communauté, jusqu'à le ground zero, mais à que एक इंफॉर्मेशन लेना उनके जायजा लेना ये उचित है. तो इसलिए हम लोग ये समझा कि ठीक है हम लोग ग्राउंड जीरो में जाएंगे, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा होटल में बैठ के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के बड़ा लीडर से बात करके ग्राउंड जीरो जीरो में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता. बिकॉज वी हैव टू सेव द पीपल ऑफ आसाम दोज हु आर लेफ्ट ऑफ फ्रॉम द एनआरसी. तो ये है हमारा. तो इसमें देखिए कोई हम लोग नहीं चाहें कि आसाम का पॉलिटिकल मैटर में हम लोग दखल नहीं देंगे और इंटरनल मैटर में भी दखल नहीं देंगे और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं. बट बीइंग ब्रदर ऑफ द आसाम हम लोग भी चाहते हैं कि एक हमारा दोस्त का हमारा भाई लोग का यहाँ पे हम लोग का रिलेटिव का कुछ हो गया तो ये हमारा फर्ज बनते हैं धर्म बनते हैं कि हम लोग आपकी कुछ सहयोग करें. तो हम लोग चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और लीगल एस्पेक्ट है हम लोग चाहते हैं कि 19 लाख लोग है और हमारा जो होता है उनको हम लोग हेल्प कर सकें और आने वाले दिन में हम लोग जरूरत करेंगे. इसलिए फिर बीच में आज हम लोग जीरो ग्राउंड जीरो में जाकर सब लोग जायजा ले रहे हैं. अभी अभी हमारा यहाँ पे एक एनजी है नागरिक सुरक्षा मंच, उनसे भी बात किया है, उनका सारा का सारा डिटेल्स भी है. दे आर वर्किंग वेरी गुड इन आसाम. हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ में और रिश्ता बना के हम लोग यहाँ का सभी का हम लोग आगे का दिन हम लोग करेंगे. तो देखिए आसाम पीसफुल एटमोसफेयर. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कुछ लोकल लीडर्स फ्रॉम देयर फ्रॉम द गोरखा स्टूडेंट वो लोग अपोज कर रहे हैं डायरेक्टली आप लोगों के बाहर से आके यहाँ पे जो पीसफुल सिचुएशन है यहाँ पे इस पीसफुल सिचुएशन में कुछ आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं ये लोग एलिगेशन दे रहे हैं आपको. इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या बता रहे हैं? देखिए मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं जरूर बता रहा हूँ. मेरे आगे भी कोई लीडर आ गया है उनको वेलकम किया है. जब उनका पास उनको मिलने के जा रहा है वो लीडर लोग तब उसने आग में घी नहीं डाला. जब मैं ग्राउंड जीरो में जा रहा हूँ तो फिर उनको बोलते हैं मैंने फिर बहुत सारे बाहर का भी आ गया जहाँ हमारा इलाका से भी आ गया है उनको बहुत गुवाहाटी में बहुत वेलकम किया है. थ्री स्टार होटल में बैठा आपने ग्राउंड जीरो पे आया लेकिन आपको तो धूमधाम से स्वागत करना चाहिए था लेकिन आपको अपोज कर रहे हैं इसके बिहार में रीजन क्या है? अपोज माने मैं जब भी हमारा टीम जा रहा है ऐसा फील्ड में तो अपोज नहीं हो रहा है. ओनली ये प्रेस का जरिए मैं प्रिंट मीडिया में प्रिंट में मैंने देखने आ रहा है कि अपोजिंग. बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन भाइयों को कि देखिए मैं भी एक लीडर के नाते नहीं आया हूँ और आसाम में मेरे को MLA लड़ना भी नहीं है, MP लड़ना भी नहीं है और मैं यहाँ आके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी नहीं करना है और मेरा पार्टी का यहाँ संगठन बढ़ाने भी नहीं है. जो NRC से जो समस्या पैदा हो गया है और जो हमारा भाई लोग है बहन लोग है उनका अगर आज उस दुख में दुख साथ बांटें तो ये मेरा है और उनको कैसे बचा सकें कैसे बचा सकते हैं हम लोग और एक फर्ज बनते हैं दाम ये. तो मैं आई लाइक टू रिक्वेस्ट द लीडर्स ऑफ द ऑल आसाम गोरखा स्पीकिंग यूनियन पोज करने के बजाय हम लोग को सपोर्ट करने का. बिकॉज वो लोग की जो लीडर्स लोग हैं जो भी है मैं बोल देता हूँ कि वो भी आना चाहते हैं. वो लोग भी कई बार तालीम आके स्पीच दिया है और कई बार सिंगुड़ी आके स्पीच देते हैं जोश में आके स्पीच देते हैं. हमने कभी नहीं ये बोला कि आप तालीम में आके आग में गीत हार रहे ऐसा नहीं है. और आप यहाँ पे हैं वो अपना काम करें और उनको रिक्वेस्ट करते हैं मैं वो हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी गोरखा का एक ऑर्गेनाइजेशन गोरखाओं को बताने के लिए आप काम करें और हम लोग भी काम करें सभी मिलकर काम करें अपना अपना तरीका से काम करें ताकि सब गोरखा बच जाएँ और हमारा कम्युनिटी बच जाए. ये है हमारा थैंक यू. अजय देखिए बोले कहोगे जी अपना लोगों देखे के तमाम महाफ है.